और मेरा चौथा सवाल है कि क्या ये सत्य है कि अलग अलग बैंक अकाउंट में 15 करोड़ रुपए के पीएमएलए के तहत पैसा फ्रीज किया गया? क्या ये सत्य है कि असीम दास नामक एक व्यक्ति से 5 करोड़ 30 लाख रुपया से ज्यादा पैसा जब्त हुआ और ये माना कि 508 करोड़ रुपया अब तक भूपेश बघेल जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री उनको देने की बात कही गई? ये कांग्रेस का हाथ का निशान भी ऐसे, तो 5 सवाल भी मेरे ऐसे ही है। क्या कांग्रेस जवाब देगी? राहुल गांधी जवाब देंगे? और कुछ चैनल ने स्टिंग किए और उन स्टिंग पे भी सत्य सामने आया है। कांग्रेस सत्य के रास्ते सत्ता नहीं, सट्टे के रास्ते सत्ता अपनाना चाहती है। सत्य से तो बहुत दूर हो गई, सट्टे के साथ कांग्रेस दिखती है सत्ता का रास्ता अपनाने के लिए। अब मैं आ जाऊं आपके अपने राज्य तेलंगाना में। मित्रों, जब तेलंगाना का राज्य बना, भारतीय जनता पार्टी में उस समय सांसद था, मैंने पार्लियामेंट में देखा क्या क्या नजारे हुए, कांग्रेस ने क्या क्या ड्रामे रचे, सोनिया गांधी जी की भूमिका क्या थी। इसलिए कांग्रेस कभी सत्ता में यहां पर नहीं आ पाई तेलंगाना में। कांग्रेस चाहती नहीं थी कि तेलंगाना बने, कांग्रेस केवल ड्रामा रचना चाहती थी। लेकिन कितने लोगों की जान गई, जिसमें मेरे युवा भाइयों की जान गई, उसका खून कांग्रेस के हाथ पर है। खूनी पंजा है कांग्रेस का, जो युवाओं ने जान दी तेलंगाना बनाने के लिए। लेकिन केसीआर से मेरा बड़ा सवाल यह है, आप पार्टी का नाम बदल सकते हो, बीआरएस कर सकते हो, लेकिन भ्रष्ट चेहरा अपने छिपा नहीं सकते। अपने परिवार के भ्रष्टाचार को केसीआर छिपा नहीं सकते हैं। यह युवाओं से किया गया वायदा कि 1 लाख रोजगार देंगे, अरे 10 साल बीत गए, ना रोजगार दिया, ना 3000 रुपए महीना बेरोजगारी भत्ता दिया। बेटी और बेटे को बचाने और अपनी भ्रष्टाचार को बचाते बचाते आप यहां तक पहुंच गए कि जब तेलंगाना में भी आपका पेट नहीं भरा तो अपने परिवार के सदस्य बेटी को दिल्ली भेज दिया शराब घोटाले में, जिनका नाम आता है कविता जी का। वहां के उप मुख्यमंत्री जेल चले गए, सांसद जेल चले गए, इनका नंबर भी आएगा, कोई बचेगा नहीं। जो जो शामिल है उनका एक एक करके नंबर आएगा। और इस घोटाले के किंग पिन केजरीवाल जी को समन जा चुके हैं, नोटिस जा चुका है। और मैं कहना चाहता हूं, कालेश्वरम प्रोजेक्ट बड़े सपने दिखाए थे केसीआर ने, 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रोजेक्ट, आप कल्पना कीजिए 1 लाख करोड़ से ज्यादा का घोटाला।